इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजधानी पटना से, जहां विधानसभा में बीजेपी का हंगामा हुआ है। जहरीली शराब से मौत पर बीजेपी का हंगामा, मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया है नीतीश सरकार पर। अकेले छपरा में 71 लोगों की मौत कल तक हो चुकी थी, और इस मामले को लेकर बीजेपी हमलावर है और आरोप लगा रही है कि जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा छिपा रही है सरकार। प्रशासन के जरिए पीड़ितों के ऊपर दबाव डलवाया जा रहा है और शवों का दाह संस्कार बिना पोस्टमार्टम के करने पर जोर दिया जा रहा है। किसानों का गन्ना विकास योजना के तहत जो पैसे दिए जाने थे, उसमें जो बिल रेज हुआ उसी के हिसाब से पैसा दिया गया। अब यदि माननीय सदस्य के संज्ञान में कोई सूची हो जहां पर जिलों का बकाया हो, उसको भी दिया जाएगा। अब उसके आगे की योजना को अब बिल्कुल अपडेट करने करके चलाने की चलाने का विचार सरकार रखती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दूसरा सप्लीमेंट्री है, मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत चयनित प्रभेद के निबंधित प्रमाणित बीज पर सामान्य कोटि को 210 रुपए, अनुसूचित जनजाति जाति को 240 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अनुदान देने का। इस वक्त की बड़ी खबर, सुशील मोदी का नीतीश सरकार पर निशाना। आरोप लगाया कि बिहार में जहरीली शराब पीकर के 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जबकि नीतीश सरकार मौत का आंकड़ा छिपा रही है। ये कहना कि जो पिएगा वो मरेगा बहुत शर्मनाक है। नीतीश कुमार ने ये बात कही थी। मृतकों के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, सुशील मोदी ने ये मांग की है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इतने लोग मर गए, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, सरकार आंकड़ों को छिपा रही है, पुलिस घर घर जाकर लोगों को धमकी दे रही है कि पोस्टमार्टम कराओगे तो जेल चले जाओगे, तो लोग डर के मारे दूसरे घाटों पर जाकर अपने शवों को जला रहे हैं। तो आपने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि लोग मरने के लिए बाध्य हो रहे हैं, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। अरे भाई, आपके यहाँ शराबबंदी है, पीने का जुर्म है, सजा है, कुछ पेनल्टी लगेगी, कुछ दिन जेल जाएगा, लेकिन मरना ये उसका प्रावधान नहीं है। और बिहार के अंदर गोपालगंज में जब 2016 में घटना घटी थी, तो इसी मुख्यमंत्री ने, इन्होंने ही 4-4 लाख रुपए पीड़ित परिवारों को दिया था। और बिहार का जो एक्साइज एंड प्रोहिबिशन एक्ट है, उसकी धारा 42 कहती है कि अगर कोई शराब पीने से किसी की मौत हो जाती है तो उसको 4 लाख रुपए देने का प्रावधान है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक विधानसभा में वीर सावरकर की तस्वीर लगाने को लेकर हंगामा हो गया है। सावरकर की तस्वीर को लेकर के कांग्रेस विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आज से कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है। बीजेपी वीर सावरकर की तस्वीर के अनावरण के पक्ष में है, जबकि कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने इसे बीजेपी का एजेंडा कहा है। वीर सावरकर जिनको लेकर राहुल गांधी लगातार हमला बोलते रहे हैं, कांग्रेस लगातार हमला बोलती रही है, और कर्नाटक जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां विधानसभा में वीर सावरकर की तस्वीर लगाने का फैसला लिया गया, और इसको लेकर कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया है कांग्रेस विधायकों ने। डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया की अगुवाई में कांग्रेस विधायकों ने अलग अलग महापुरुषों की तस्वीरें लेकर के नारेबाजी की है, धरना प्रदर्शन दिया है। क्यों बवाल कर रहे, पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में सावरकर जी का फोटो है या नहीं है? और स्वतंत्र वीर सावरकर है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आपके होंगे, आई डोंट डिनाई फॉर दैट। आपको क्या स्वतंत्र वीर सावरकर के डालने से आपको दुख होगा? किसका डालना है? सिद्धरमैया को पूछो, ये दाऊद इब्राहिम का डालना है क्या? ये क्या चाहते हैं? व्हाट डू दे नीड? तो वीर सावरकर के मुद्दे पर एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान, और इस बार घमासान का रणक्षेत्र बना है कर्नाटक विधानसभा, जहां पर कांग्रेस विधायकों ने धरना प्रदर्शन दिया है। बीजेपी ने इस मसले पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। वीर सावरकर को लेकर भले ही कांग्रेस लगातार हमला बोलती रही हो, लेकिन बीजेपी उन्हें महान स्वतंत्रता सेनानी मानती है। क्या टीपू सुल्तान की तस्वीर होनी चाहिए कर्नाटक में? अगर वीर सावरकर का नहीं होना चाहिए तो किसका होना चाहिए? तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कर्नाटक विधानसभा के बाहर की, जहां
पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार की अगुवाई में कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।